मैंने बहुत प्राउड के साथ उनको बताता बोलता था कि मैं शहीद भगत सिंह के गांव से हूँ, लेकिन वो बोलते थे ही वाज अ टेररिस्ट। तो जैसे मैं बहुत शॉक हुआ, ही इज अ फ्रीडम फाइटर मैम, ही इज अ नॉट टेररिस्ट। प्रिंट इज इन खटखर कलां विलेज, शहीद भगत सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, विच इज द विलेज वेयर शहीद भगत सिंह बिलोंग टू। भगवंत मान मेड द प्रॉमिस ऑफ टेकिंग ओथ इन शहीद भगत सिंह विलेज अ डे आफ्टर द आम आदमी पार्टी स्वेप्ट द स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड सिक्योर्ड अबाउट 92 सीट्स इन द 117 सीट असेंबली ओवर हियर। वी केम हियर टू फाइंड आउट how and in what ways the legacy of Shahid Bhagat Singh has been kept alive in this village, or if Bhagat Singh is also just another personality that politicians are now appropriating. मैंने अभी वहाँ पर एक शहीद भगत सिंह सेंटेनरी फाउंडेशन का जो है सेंटर एस्टेब्लिश किया है, तो उसमें हाल है, उसमें तीनों के बुत हैं, वो बिल्कुल मेन रोड पे थे। तो जो एंड दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग, क्योंकि ये जो घर है, दिस हैज़ एक्चुअली ए वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज। तो मतलब मैं आई बिकेम द काज ऑफ दैट, कि मैंने अपने मामा को कहा कि भी आप बांटेंगे तो नहीं, लेकिन इसको हम सरकार को दे देते हैं। तो आई रोट दैट लेटर एंड दे साइंड, दे लव्ड मी। जब पॉलिटिशियन बन जाते हैं तो वो फिर मतलब होता है कि इससे लोगों को कैसे भरमाया जा सके, लेकिन वो अपने लिए क्वेश्चन भी खड़ा कर लेते हैं, क्योंकि दे आर स्लिपिंग इन टू द लॉजिक ऑफ भगत सिंह एंड अम्बेडकर ऑल्सो। एज सून एज यू एंटर द विलेज देर इज अ म्यूजियम विच वॉज इनॉग्रेटेड इन 2018 विद आर्टिफैक्ट्स इंक्लूडिंग द पेन भगत सिंह रोट विद। अबाउट अ किलोमीटर अवे शहीद्स हाउस टावर्स ओवर द रेस्ट ऑफ द विलेज विच वॉज मेड इन 1858 विच इज अ 4-room 1-story हाउस। शहीद भगत सिंह के लिए पॉलिटिक्स में बहुत बात करी जा रही है, आपके गांव में आके नए सीएम ओथ लेने वाले हैं जी, तो क्या आपको लगता है शहीद भगत सिंह को अब वो दर्जा मिल रहा है जो हमेशा से मिलना चाहिए था पंजाब पॉलिटिक्स में? मैम एक्चुअली में शहीद भगत सिंह को वो दर्जा नहीं मिला है। जैसे ऐसे है कि शहीद भगत सिंह को अभी भी जैसे एज अ टेररिस्ट, जो साउथ के लोग हैं वो एज अ टेररिस्ट जानते हैं। मैम ऑन रिकॉर्ड उनको शहीद का दर्जा भी नहीं मिला अभी तक जी। ये साउथ के लोग उनको टेररिस्ट जानते हैं, कैसे पता? जी मैम, मैं 2010 में जैसे सिंगापुर गया था स्टडी करने। अच्छा। तो उधर ना साउथ इंडियन बहुत हैं। जैसे मैंने बहुत प्राउड के साथ उनको बताता बोलता था कि मैं शहीद भगत सिंह के गांव से हूँ, लेकिन वो बोलते थे ही वाज अ टेररिस्ट। तो जैसे मैं बहुत शॉक हुआ, ही इज़ अ फ्रीडम फाइटर मैम, ही इज़ अ नॉट टेररिस्ट। हमने कई बार बहुत जैसे जो आते हैं नेता वगैरह उनके सामने जो मांग रखी है, लेकिन वो सभी वो 23 मार्च को और 27 सितंबर को आते हैं, बस वो जो 3-4 दिन होता है वो उनके बस जो साल में बस ये 2 ही दिन है जब जैसे वो नेता लोग आते हैं, और उसके बाद गांव का कोई नहीं देखता जी। जब वो ना फर्स्ट टाइम एमपी बने थे तो उन्होंने जहां पे आके सौगंध खाई थी, वो शहीद भगत सिंह के जो बुत है वो उसके सामने सौगंध खाई थी, और जो जहां पे बुत है ना, जो स्टैचू है जी वहां पे, तो और वो उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे उस टाइम। और उन्हीं दिनों में हम लोग उनसे मिले भी थे अपनी गांव की समस्याओं को लेकर। वो बोल रहे थे कि मैं जो मेरे से होता है बढ़कर मैं करूंगा, और जो आपका एमपी है वो मैं उससे बातचीत करके आपकी समस्याएं जरूर हल करवाऊंगा। लेकिन मैम उसके बाद जैसे आपको मालूम ही है नेता लोग। अहेड ऑफ भगवत मान्स ओथ टेकिंग सेरेमनी लेबरर्स वर पेंटिंग द वॉल्स इनसाइड द रूम्स एंड पॉलिशिंग द आर्टिफैक्ट्स। This has been declared a monument. Inside is a bed, book rack, some utensils, a charkha and that iconic hat that Bhagat Singh wore. भगत सिंह जी का भी सिर्फ एक वही आप पोस्टर देखोगे यहाँ पे लगे हुए, चाहे वो ट्रैक्टर्स पे हैं चाहे गाड़ियों में हैं, जिसमें उन्होंने पिस्टल पकड़ा हुआ है जो सैंडर्स का कत्ल हुआ था। जबकि भगत सिंह ने वो खुद कहा था कि उस कत्ल कांड के बाद कि ये हमारा उद्देश्य नहीं है, इंसानी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है, ये हमारा मकसद नहीं है। जब असेंबली में बम फेंका था तब भी उन्होंने बिल्कुल फ्री स्पेस दे के
वहाँ पे फेंका ताकि किसी को नुकसान ना हो, क्योंकि वो उनकी आइडियोलॉजी है ही नहीं थी किसी का कत्ल करना या कैसे। लेकिन हमारे मीडिया ने, हमारी सरकारों ने उनका वही अक्स लोगों के सामने रखा है कि वो वहीं तक रहे। अब आपको बताता हूँ, आप उनकी बुक्स पढ़ना, उनके साथियों की बुक्स जो उनके बारे में लिखी हुई हैं वो पढ़ के देखना। भगत सिंह ने जैसे वो अलग अलग स्टेट्स में घूमते थे तो उनके कपड़े बिल्कुल फटे हुए होते थे, लेकिन उन कपड़ों में भी उनके कोट में बुक्स ज़रूर होती थी, कोई ना कोई बुक बक्का है कि ज़रूर होती ही होती थी, कभी ऐसा नहीं हो। मैंने उनके साथी हैं शिव वर्मा, आप उनकी बुक पढ़ सकते हो, या उनके और भी साथी हैं उनकी बुक पढ़ सकते हो, तो आप देखोगे कि उनका किताबों से कितना लगाव था। तो एक एक नॉर्मल बच्चे को शहीद आज़म का खिताब वहाँ तक पहुँचने में बुक्स का सबसे बड़ा योगदान है, लेकिन वो जो एस्पेक्ट है, वो जो एक कंसर्न है, वो सब बिल्कुल साइड पे हो गया है, क्योंकि उनकी जो आइडियोलॉजी थी, अब किसी की वो आइडियोलॉजी तो है नहीं, वो तो सोशलिस्ट थे एक, ठीक है ना, तो अभी तो वो नहीं है। जो उनकी आइडियोलॉजी मानने वाले भी हैं वो भी बिखरे पड़े हैं, जो कॉमरेड्स हैं। तो भगत सिंह ने कहा कि जब मुझे ज़िंदगी और असूल में चुनना पड़ेगा तो मैं असूल चुनूंगा, ज़िंदगी नहीं चुनूंगा। तो दिस इज़ ए ट्रैवल। आज भी सभी के लिए जो कहते हैं हम ओथ लेंगे, क्या ओथ ये होगी कि आप असूल पे खड़े होंगे या जायदाद के पीछे भागेंगे जैसे पहले लोग भागते थे। 1924 जो है वो हमारा सबसे हिस्टोरिकली क्रिटिकल टाइम था। 1921 जलियांवाला बाग हुआ, उसके बाद चौरा चौरी हुआ, बल एकदम निराशा आई, तो उसके बाद फिर पूरी क्यूमुलिज्म और जात पात ये सब प्रेसिपिटेट हो रहा था। तो 1924 में भगत सिंह ने कहा कि जो पहला काम हमें करना है वो यूथ मूवमेंट बिल्ड करना है, और उसमें उन्होंने कहा कि उसके दो तीन असूल हैं। एक असूल तो यह है कि लोगों के दिमाग से, नौजवानों के, आप समाज के दिमाग से नहीं निकाल सकते, लेकिन नौजवानों के दिमाग से आप जो मतलब धार्मिक संकीर्णता है वो और जात पात खत्म करेंगे। 1924 में जो ना बराबरी थी वो आज आपकी ना बराबरी 2016 में पिक्टी कह रहा है कि वो है, 20वें दहाके की ना बराबरी, और वो उनके मैनिफेस्टो में भी है। तो उन्होंने कहा कि ना बराबरी का क्या मतलब सोल्यूशन है, वैज्ञानिक सोल्यूशन जो है वो है कि आप बराबरी और भाईचारा, समाजवाद वर्ड जो है उन्होंने उस वक्त लिया। तो इसलिए आज मतलब हम हिस्टोरिक एक इवेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर ये ईमानदारी से करेंगे, नहीं तो नौजवान वो जो 100 साल है और वो फिर आपकी पूरी डिबेट वहीं आ जाएगी। व्हाइल द रेजिडेंट्स हैव टेकन सेवरल इनिशिएटिव्स टू कीप द स्पिरिट एंड आइडियोलॉजी ऑफ भगत सिंह अलाइव थ्रू वॉल पेंटिंग्स इन द विलेज, मैनी स्टिल कंप्लेन अबाउट अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स व्हिच वर स्टार्टेड बाय प्रीवियस गवर्नमेंट्स। ये ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि माता विद्यावती पार्क बनाने का जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने वादा किया था, अभी तक वो प्रोजेक्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है। कब से पेंडिंग पड़ा है मैम? काफ़ी साल हो गए, हम छोटे छोटे थे तभी से मतलब प्रॉमिस करते जा रहे हैं लेकिन हुआ नहीं अभी तक। ये म्यूजियम भी आप देख रहे हैं, बैक साइड इसकी इनकम्प्लीट है, फ्रंट कम्प्लीट है बट जो बैक साइड है वो इनकम्प्लीट है। और जैसे आपको पता ही है जब इलेक्शंस होते हैं तो सभी मंत्री सब आते हैं, वादे करते हैं लेकिन उसे कंप्लीट नहीं करता कोई। जब इलेक्शंस होते हैं तब सभी आते हैं, आज देख लो अब भगवंत मान जी ने आना है, वो तो बहुत अच्छे हैं, अभी तक हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या क्या इम्प्रूवमेंट करते हैं, लेकिन जो लास्ट गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने प्रॉमिस पूरे नहीं किए अभी तक। लाइब्रेरी है तो है, थोड़ा टाइम चली भी, अब 3-4 साल हो गए बंद पड़ी हुई है। अच्छा, ऐसा? हाँ जी, मुझे लगता है कि शायद पीछे से फंड नहीं आ रहे, वहाँ स्टाफ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि एक गाइड का होना ज़रूरी है लाइब्रेरी में, तो स्टाफ नहीं है तो बंद पड़ी हुई है। जे अगर वो आज जिंदा होते तो वो ये देख के बहुत निराश होते, क्योंकि वो चाहते थे कि जो यूथ है वो नॉलेज गेन करे और जागरूक हो कि हमारे राइट्स क्या हैं। जैसे आज का यूथ बेरोजगारी से बहुत जूझ रहा है, जो हमारे मंत्री हैं, नेता हैं, वो सिर्फ इनको एज अ टूल यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो यूथ को उनकी तरह बनाना नहीं चाहते। आपको पता ही है कि पंजाब में नशा वगैरह नॉर्मली सेल हो रहा है, ठीक है, तो वो सब बंद होना चाहिए और यूथ को अच्छी जॉब्स मिलनी चाहिए, यहाँ गांव में, हर गांव में स्टेडियम बनना चाहिए। फॉर द प्रिंट, दिस इज शुभांगी मिश्रा विद रीति अग्रवाल रिपोर्टिंग फ्रॉम पंजाब।